You know, I'm so happy कि नबीता ने जो काम किया है बहुत ही मुश्किल काम है, और क्योंकि मैं फिल्म सोसाइटी में थोड़ा सा अटैच पहले भी रहा हूँ, मैंने भी वहाँ के लिए फिल्म बनाने की कोशिश की थी एक बार, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि कितना मुश्किल है ये काम करना जो नबीता ने किया है. एंड रियली हैट्स ऑफ टू हर, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट हर टू कंटिन्यू इन द ऑफिस सो वी कैन रियली हैव अ डायनेमिक चेयरपर्सन लाइक. And it's a really, really great job. I'm so happy for Rajan and for your film. Actually, मैंने गट्टू फिल्म देखी हुई है पहले और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है. आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं दोबारा आया हूँ. चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी जो है बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि गट्टू पहली उनकी थिएट्रिकल रिलीज है. उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चले ताकि और भी इस तरह की फिल्में बने. चिल्ड्रंस फिल्म है तो अच्छा ही लग रहा है. आई लव वॉचिंग चिल्ड्रंस फिल्म, और एक अच्छा गैंग चिल्ड्रन का देखने के लिए तो अच्छा ही लगता है ना. मस्ती खोर सब आ गए ऐसे लग रहा है प्रोमो से, अंदर जाके पता चलेगा किस तरह की फिल्म है. वेल, एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा ही हुआ, जैसे नबीता ने अभी बताई कि 250 फिल्म बनाए, तो 250 फिल्म बने और 250 फिल्म में हमने एक भी नहीं देखा है. मैंने तो एक भी नहीं देखा, शायद देखा भी है, आई डोंट नो द चिल्ड्रन सोसाइटी फिल्म. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये इतना अच्छा बड़ा रिलीज मिल रहा है चिल्ड्रन फिल्म के लिए. 57-year-old ऑर्गेनाइजेशन, और अभी तक एक भी फिल्म नेशनली थिएट्रिकली रिलीज़ नहीं हुई थी, तो गट्टू पहली फिल्म है. एक तरह से ये समझिए कि अगर ये फिल्म चल गई, सक्सेसफुल हो गई, तो ये और कई बच्चों की फिल्मों के लिए दरवाजे खोल देगी. तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि सब लोग इसे सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चे आजकल जिस तरह की फिल्में देख रहे हैं उसका असर उन पर क्या होगा वो आपको थोड़ा देर में पता चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपने एज अप्रोप्रिएट फिल्में देखने का मौका मिले, और वही हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. गट्टू एक मज़ेदार फिल्म है, इसमें भाषणबाजी नहीं है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखाई गई हैं. जो सीख है वो बहुत प्यार से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन मज़े मज़े में सीख जाए. काफ़ी एक्साइटेड हैं हम, और हमें 6 महीने हो गए फिल्म ख़त्म किए, और तब से हम सारे दुनिया भर घूम आए हैं, बहुत अवार्ड भी ले लिए हैं. इंडिया में अवार्ड्स वगैरह इससे कुछ हेल्प नहीं होती है. अगर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें, स्कूलों तक पहुँचें, प्रिंसिपल तक पहुँचें, और उनको ये बताएं कि ऐसी फिल्म है, वो बच्चों को लेके आएंगे, और फिर बच्चों के माँ बाप साथ में आएंगे, तो उनको पता चलेगा ये फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये एडल्ट्स के लिए भी है, ये एक फैमिली फिल्म है. अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है. सारा श्रेय उसका नबीता दास को जाता है, और उसके बाद राजश्री को जाता है जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया है. और आई थिंक बहुत ज़्यादा खूबसूरत फिल्म है. बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट बच्चों तक पहुँचता नहीं है, क्योंकि वो थिएटर में रिलीज़ नहीं होता. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये फिल्म राजश्री इसको रिलीज़ करें, और आई एम श्योर ये फिल्म बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, मैसेज भी है, सब कुछ है, एंटरटेनमेंट भी है, और स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है.